असलम डियर स्टूडेंट्स आज हम बर्थ से लेके कर दो साल तक के बच्चों के लिए जो किताबें सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसका एक और इंटरेस्टिंग डिज़ाइन एट्रीब्यूट स्टडी करने जाएंगे और उस डिज़ाइन एट्रीब्यूट का नाम है फ़ोंट एंड द बुक साइज सो हम ये देखेंगे कि फ़ोंट और बुक साइज़ कैसे बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मदद करता है जो क्या है कि बच्चे इमेजिनेशन करना शुरू कर दें और सोचना शुरू कर दें कि किताब में क्या हो रहा है तो फॉन्ट और बुक साइज़ कैसे उन्हें हेल्प आउट करेगा कि वो सोचें भी और वो इमेजिनेशन भी करें और वो सीखें भी सो so, हमारे पास सबसे इम्पॉटेंट चीज़ ये है कि हम ये समझें कि बर्थ से ले कर दो साल तक के बच्चे का डिवेलपमेंटल एस्पेक्ट क्या है उसे कैसे किताब नज़र आती है और किस किस्म के विजुअल वो देख सकता है डिवेलपमेंटली उसकी डिवेलपमेंट कहाँ तक होती है जो उसे हेल्प करती है और वो हम कहाँ देखेंगे विजुअल एक्विट एक्विटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह आती है कि एक आम इंसान जिसकी नॉर्मल विजन है ट्वेंटी बाई ट्वेंटी के इमेज रेजोल्यूशन रखता है वो बीस फिट के फासले से उस इमेज को आइडेंटिफाई कर सकता है पहचान सकता है बता सकता है कि ये क्या इमेज है ये देखते हुए कि उसकी शेप क्या है ये देखते हुए कि वो किस किस्म की फॉर्म रखता है लेकिन छोटे बच्चे स्पेशली बर्थ से लेके दो साल से छोटे बच्चे उनकी अभी विजुअल एक्टिविटी जो है वो इतनी डिवेलप नहीं हुई होती ट्वेंटी बाई ट्वेंटी की जो रेजोल्यूशन है वो तब तक डिवेलप नहीं होती बच्चों में जब तक के वो दो साल के नहीं हो जाते सो so, अब हमारे पास किताबों में जब विजुअल्स आएंगे चाहे वो अल्फ़ाबेट हों चाहे वो करेक्टर्स हों वो कैसे हों कि बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट हों उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें उन्हें समझ सकें और प्रॉपरली देख सकें तो so, उनका फॉन्ट साइज बहुत इम्पॉर्टेंट है इट शुड बी फ्रॉम थर्टी टू थर्टी सिक्स देन जो आप लेटर्स उसके अंदर दिखा रहे हैं चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं चाहे वो फिगर्स हैं चाहे वो अल्फ पे हैं वो जो भी लेटर्स हैं उनका जो करेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल ऑब्वियस होना चाहिए कि पता चले कि जनाब ये यही लेटर है इट शुड बी रिटन डाउन इन अ वेरी प्लेन और वेरी वेरी सिंपल नोटिसबल वे ताकि फॉरन आइडेंटिफाई हो सके उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद ना हो आप फ़ॉन्ट साइज जो है वो क्लियर होना चाहिए वो विजिबल होना चाहिए नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये है कि आपकी जो ए बी सी डी के कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों की विजुअल टेक्स को वर्बली डेवलप करने में मदद करते हैं वो बिल्कुल बड़े बड़े साइज के होने चाहिए जो कि थर्टी टू थर्टी सिक्स हैं और बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल विजिबल नज़र आने चाहिए आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल है और आप इस एग्जाम्पल को बिल्कुल देख सकते हैं चिका चिका बूम बूम की बुक में कि इस पेज के ऊपर एक्चुअली हम बच्चों को अल्फाबेट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं दे दे आर आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सिंपल एंड एंड क्लियर ब्राइट कलर्स विदाउट एनी करकेशन और आप इनका साइज भी देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है अगली चीज आती है बुक का साइज और बुक का वेट सो so, uh, बुक का साइज और बुक का वेट कैसा होना चाहिए हम दोबारा देखते हैं कि बच्चों की डेवलपमेंट कहाँ तक है सो so, इस उम्र में बर्फ से लेकर दो साल तक का बच्चा अब फिज़िकली डिवेलप हो रहा होता है और उसकी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन जो है अभी वो डिवेलपमेंट फेज से गुजर रही होती है और उसकी कोऑर्डिनेशन डिवेलप हो रही होती है आ, वो अपने हाथों को उंगलियों को पेश को पलटने में इस्तेमाल करता है और हैंड आई कोऑर्डिनेशन में वो ये देख रहा होता है कि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ मैं उसे पकड़ सकता हूँ या नहीं पकड़ सकता ये डिवेलपमेंटल फेजेस तो से गुजर रहा होता है दूसरा बच्चे क्या करना चाहते हैं बच्चे किताब को हैंडल करना चाहते हैं वो बार बार उसे ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो एक इमेज को बार बार एग्जामिन करते हैं देखते हैं तो किताब ऐसी होनी चाहिए जो कि अप्रोप्रिएट हो और इतनी बड़ी हो कि बच्चे उसे पकड़ सकें इस साइज की हो कि बच्चे उसे बार बार हैंडल कर सकें और उसके पेज ईजीली इधर से उधर कर सकें नाउ दोबारा मैं आपको बता दूँ कि पेजेस जो हैं जनरली हम इतने छोटे बच्चों को जो किताबें देते हैं वो बोर्ड बुक्स होती हैं जिनके पेजेस बहुत थिक होते हैं और वो इतनी आसानी से नहीं फटते बार बार पलटने से जो है आ, उन पेजेस में ज्यादा फर्क नहीं आता उनकी क्वालिटी में सो तो पेज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए बच्चे जो हैं जब डिफरेंट साइज की बुक्स देखते हैं तो उनकी क्यूरोसिटी जो है वो ट्रिगर होती है और उनकी अटेंशन जाती है कि ये अजीब व गरीब साइज की बुक है या शेप की बुक है ये किताब कैसी है इसको देखना जरूर चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि किताब की शेप कौन सी है वो सर्कुलर है वो रेक्टेंगुलर है आ वो स्क्वायर है डिफरेंट किस्म की शेप्स जो हैं बच्चों के अटेंशन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं सो so, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम फॉन्ट साइज को भी ऐसा रखें जो बच्चे देख सकें उनकी एज के मुताबिक हो और हम बुक की जो शेप है वो ऐसी बनाएं जिसको बच्चे देख के अट्रैक्टेड हों उसको पकड़ना चाहें बार बार पकड़ना चाहें बार बार देखना चाहें नेक्स्ट स्लाइड के लिए Goodbye, Fizz, and best of luck.